जी सर, मेरा सवाल ये है कि जो दुकान जो किराए पे लिया जाता है, तो उसके लिए जो एडवांस डिपॉजिट जमा किया जाता है, तो ये क्या ये सूद में आता है? ऐसा करना सही है? बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। भाई भाई का सवाल डिपॉजिट के बारे में है कि कोई मकान या कोई दुकान या कोई जगह आप किराए पर लेते हैं तो उस जगह की का अलग से किराया होता है, उसके साथ में जो मकान का मालिक होता है वो आपसे मुतालबा करता है कि एक रकम आप हमारे पास जमा करें बतौर डिपॉजिट। तो क्या ये डिपॉजिट जमा करना या इसका मुतालबा करना क्या ये जायज़ है कि नहीं जायज़ है? तो अभी मार्केट में डिपॉजिट की दो शक्लें मौजूद हैं और इस पर कई बार हमारी बात भी हुई है। गालिबन डिपॉजिट की एक शक्ल है जिसको हम हैवी डिपॉजिट कहते हैं। जी हैवी डिपॉजिट, इनको आप म्यूट कर दें हाँ, सिर्फ। म्यूट कर दिया मैंने। तो एक शक्ल तो होती हैवी डिपॉजिट की। उसमें क्या होता है कि दुकान का जो किराया है, जो उसकी मार्केट वैल्यू है, उस मार्केट वैल्यू से उसका कम किराया लिया जाता है। जैसे मान लीजिए 5,000 उसका किराया है मार्केट वैल्यू, महीना के एतबार से महीने का 5,000 का किराया है मार्केट में, तो आप किराएदार से 1,000 रुपया लें और उससे कहें कि आप एक बड़ी रकम 10 लाख रुपया मिसाल के तौर पर हमारे पास जमा कर दें और हम आपसे 5,000 रुपया महीना किराया नहीं लेंगे, बल्कि हम आपसे 1,000 रुपया महीना किराया लेंगे, तो इसको हैवी डिपॉजिट कहा जाता है। तो ये जायज नहीं है और इसके जायज ना होने की कई वजह हैं। एक वजह तो ये है कि इसको डिपॉजिट कहा जाता है, यानी ये रकम जो बड़ी रकम ली जाती है मकान मालिक की तरफ से, इसके बारे में लोग कहते हैं कि ये हम बतौर जमानत ले रहे हैं। बतौर जमानत हम इसलिए ले रहे हैं कि अगर दुकान का किराया आपने, मान लीजिए आप भाग गए, आपने किराया नहीं दिया, या दुकान में आपने कोई खराबी पैदा कर दिया, कोई नुकसान कर दिया, तो हम उसकी भरपाई करेंगे इस रकम से, तो हम बतौर जमानत इसको ले रहे हैं, तो ऐसा कह के लिया जाता है। लेकिन सही बात यह है कि ये बतौर जमानत नहीं लिया जाता है, क्योंकि जो रकम बतौर जमानत ली जाती है उसको हमारी शरीयत में रहन कहा जाता है, रहन गिरवी। तो ये बतौर गिरवी नहीं लिया जाता है। बतौर गिरवी इसलिए नहीं लिया जाता है कि जो रकम आपने बतौर गिरवी लिया है उसका शरीयत में ये हुक्म है कि उस रकम को आप खर्च नहीं कर सकते, उस रकम से आप फायदा नहीं उठा सकते। जो रकम आपके पास गिरवी रखी है आपको उस रकम को ऐसे ही जू का तू अपने पास महफूज रखना है, क्योंकि आपका दावा तो यह है कि हम इसे बतौर जमानत ले रहे हैं, गारंटी के तौर पर ले रहे हैं। तो जब आप गारंटी के तौर पर ले रहे हैं तो उस रकम को आप इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? गारंटी के तौर पर है तो उसको ले जाइए, लिफाफे में बंद करके लॉकर में रख दीजिए, और जब वो सामने वाला उस दुकान को छोड़ेगा, आप लोगों का मामला खत्म होगा, तो वही रकम आप दे दीजिएगा। तो ये रहन का हुक्म है कि आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो चूंकि उसको इस्तेमाल किया जाता है लिहाजा इसको रहन कहना ये सही नहीं है। आप उसको कुछ भी नाम दे दें, आप उसको डिपॉजिट कहें, रहन कहें, कुछ भी कहें, लेकिन दरअसल ये कर्ज है। क्योंकि कर्ज में क्या होता है कि आप सामने वाले को एक रकम देते हैं और वो ले जाकर के उसको इस्तेमाल करता है, उसका मालिक बन जाता है और उसको अपने हिसाब से इस्तेमाल करता है, और जब उसका टाइम पूरा होता है तो वो रकम आपको वापस करता है। यही कर्ज की हकीकत है। तो यही सूरत हाल यहां पर मौजूद है। तो लिहाजा उसको आप चाहे डिपॉजिट कहें या कुछ भी कहें, वो दर हकीकत कर्ज है। और कर्ज का हुक्म यह है कि जिसने कर्ज दिया है अगर उसको अपने कर्ज देने की वजह से, उसको उस कर्ज की वजह से फायदा मिल रहा है, तो इसी को सूद कहा जाता है। और यहां पर कर्ज देने वाले को क्या फायदा मिल रहा है? वो फायदा ये है कि जहां पर उसको 5,000 रुपया महीना किराया देना था वहां पर उसको 1,000 ही देना पड़ रहा है, उसका हर महीने 4,000 रुपया बच रहा है।
तो कर्ज देने वाले को इससे फायदा हो रहा है, लिहाजा कुल्लो कर्ज जर्रा नफान फहुआ रिबा के तहत ये हराम है। अब यहां पर एक सवाल ये कोई कर सकता है कि भाई रहन को इस्तेमाल करना, अगर जो राहिन है यानी जिसने रहन दिया है अगर उसकी इजाजत हो तो उसकी इजाजत से बाद शक्लों में रहन को इस्तेमाल करना जायज है, और सामने वाला जिसने डिपॉजिट जमा किया है उसने इजाजत दिया है मुझे इस्तेमाल करने की, इसलिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। तो इसका जवाब यह है कि सामने वाला वाले ने अपनी मर्जी से इजाजत नहीं दिया है, सामने वाले के पास मजबूरी है और उस मजबूरी की सूरत में वो आपको उसे इस्तेमाल करने की इजाजत दे रहा है, और जो काम मजबूरी में किया जाए उसको रजामंदी नहीं कहते हैं। अब अगर कोई आदमी कोई किराएदार ये कहे कि भाई ये रकम मैं दे रहा हूं हैवी डिपॉजिट, आप इसको इस्तेमाल मत कीजिएगा, तो बताइए क्या कोई मकान का या दुकान का मालिक इससे राजी होगा? कतार नहीं राजी होगा। इसका मतलब ये है कि वो सामने वाला जो आपको इजाजत दे रहा है इस्तेमाल करने की वो अपनी रजामंदी से नहीं दे रहा है, लिहाजा इसका कोई एतबार नहीं है। तो हैवी डिपॉजिट ये सूद की एक शक्ल है, इसलिए जायज नहीं है। अब दूसरा डिपॉजिट की दूसरी शक्ल क्या है? डिपॉजिट की दूसरी शक्ल ये है कि आप जो है कोई दुकान या मकान किराए पर ले रहे हैं, उसका जो किराया है मार्केट में जो उसका रेट है जो वैल्यू है उतना किराया आप पे कर रहे हैं, जैसे 5,000 रुपया महीना उसका किराया है और 5,000 रुपया महीना आप पे कर रहे हैं, उसके ऊपर प्लस वो आपसे डिपॉजिट मांग रहा है और आप डिपॉजिट भी जमा कर रहे हैं, तो क्या ये जायज है? यहां पर तो किराएदार को कोई फायदा नहीं हो रहा है, 5,000 उसका रेट है और 5,000 वो दे भी रहा है, अब उसको अपने कर्ज से कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो क्या ये जायज है? तो इसका जवाब ये है कि ये भी जायज नहीं है, ये जायज नहीं है। इसकी पहली वजह तो वही है जो मैंने बताया कि ये रहन है, एक तरह से ये रहन है, और रहन को इस्तेमाल करना उस वक्त जायज नहीं है जब रहन जमा करने वाले ने उसकी इजाजत अपनी रजामंदी से ना दिया हो, और यहां पर डिपॉजिट जमा करने वाला अपनी मर्जी से अपनी रजामंदी से उसकी इजाजत नहीं देता है बल्कि मजबूरी में देता है, लिहाजा उस रकम को ले जाकर के वो लोग इस्तेमाल करते हैं, मकान के जो मालिकान होते हैं उसका इस्तेमाल करना ये जायज नहीं है। पहली वजह तो ये, दूसरी एक वजह और है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि नहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन बैइन व सलफ, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही साथ अगर आप कोई खरीदो फरोख का मामला कर रहे हैं और उस खरीदो फरोख के मामले में आप ये शर्त रख रहे हैं कि ये चीज मैं आपसे उसी वक्त बेचूंगा जब आप मुझे कर्ज दोगे, तो ये जायज नहीं है। अगर कर्ज की शर्त रखी जा रही है बय व शरा के अंदर तो ये जायज नहीं है। अब जो आदमी किराए पर मकान दे रहा है तो किराए पर देना ये बय की एक शक्ल है, और वो साथ में ये भी शर्त रख रहा है कि आप मेरे पास डिपॉजिट जमा करोगे, और इस डिपॉजिट को मैं बता चुका हूं कि इसकी शक्ल जो है वो कर्ज की शक्ल बनती है। तो एक ही साथ कोई ऐसा बय जिसमें कर्ज की शर्त रखी जाए वो जायज नहीं है। तो गोया कि इसके अदम जवाज की दो वजहें हैं, एक तो ये कि वो उसका रहन उसकी इजाजत के बगैर इस्तेमाल कर रहा है, दूसरा ये कि बय के अंदर यहां पर कर्ज की शर्त रखी गई है, और ये दोनों वजहें इसके अंदर पाई जा रही है, लिहाजा ये जायज नहीं है। तो खुलासे कलाम ये है कि डिपॉजिट चाहे हैवी डिपॉजिट हो या डिपॉजिट आम डिपॉजिट हो, ये जायज नहीं है जो मौजूदा शक्ल मार्केट के अंदर मौजूद है। इसके जवाब की सिर्फ यही शक्ल बन सकती है कि पहली बात तो वो हैवी डिपॉजिट ना हो, और दूसरी बात ये कि जो डिपॉजिट सामने वाला जमा कर रहा है उस डिपॉजिट की रकम को आप इस्तेमाल मत करो। अगर आप अपने दावे में सच्चे हो कि मैं बतौर जमानत बतौर गारंटी ये रकम अपने पास रख रहा हूं, तो आप उसको इस्तेमाल मत करो, तभी आपका दावा सच्चा होगा। जब आप उसको ले जाकर के इस्तेमाल कर रहे हो इसका मतलब वो डिपॉजिट नहीं है बल्कि वो कर्ज है और आपने उसको डिपॉजिट का नाम दिया है,
लिहाजा जो शक्ल मार्केट के अंदर इस वक्त राइज है डिपॉजिट की, उस शक्ल के साथ ये मामला जायज नहीं है। तो इसमें देने और लेने वाला दोनों दोनों के लिए जायज नहीं है? देखिए दूसरी जो शक्ल है, देने वाले की कभी मजबूरी हो सकती है, जैसे आप खास तौर से मुंबई जैसे बड़े शहरों में कोई इंसान रहता है, उसे घर नहीं मिल रहा है, वो कहाँ जाएगा? और हर इंसान की जरूरत है, अब उसने बहुत तलाश कर लिया बगैर डिपॉजिट के, कहीं घर किराए पर नहीं मिल रहा है उसे, तो हम कहेंगे कि उसकी तो मजबूरी है, लेकिन लेने वाले की तो मजबूरी नहीं है। लिहाजा जो देने वाला है, अगर हकीकत में उसकी मजबूरी है और बगैर डिपॉजिट के कहीं पर घर नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए डिपॉजिट देना जायज होगा, लेकिन जो ले रहा है उसके पास कोई मजबूरी नहीं है, उसके लिए लेना जायज नहीं होगा।